सब्सक्राइब कीजिए गफ्फार टेक को और दबा दीजिए इस बेल आइकन बटन को, जिससे कि हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल जाए। हेलो गाइस, आज फिर एक मैं आपको एक न्यू डिज़ाइन के साथ आया हूँ। शायद आपने ये डिज़ाइन हो सकता है मेरे चैनल पे तो नहीं देखा, अगर दूसरे किसी के और चैनल पे देखा हो तो, इसका मुझे पता नहीं है पक्का। तो मैं आपको डिज़ाइन का नाम बता देता हूँ, फिनटेक्स नाम है इसका, और ये रूलर से हमने निकाला है। और जो अगर आप किसी हार्डवेयर की दुकान पर, अगर ये पेंट वाली दुकान पर आप जाओगे तो वहाँ पर वो रूलर मिल जाएगा आसानी के साथ, कोई नो प्रॉब्लम है। और अब मैं आपको वीडियो में शुरू में क्या किया क्या नहीं किया वो शुरू में सारा कुछ बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो हमारा जो टॉप कोट है, ये PG5 है, नॉन मटेरियलिक है। इसको बोलते हैं हम रॉयल पिले नॉन मटेरियलिक, मतलब इसके अंदर ज़्यादा चमक नहीं होती, नॉर्मली होता है। और इसका जो नंबर है वो X123 है, जो टॉप कोट है इसका रॉयल पिले का X123। और इसमें मतलब ये मटेरियलिक नहीं होता है, चमक नहीं होती इसमें, कम चमक होती है, इसको बोलते हैं हम नॉन मटेरियलिक। तो हमने ये दीवार पे इस तरह से हमने चढ़ाना होता है। और ये रूलर जो है हमारा एप्लीकेशन रूलर है, तो ये रूलर जो है आपको मार्केट में दुकान पर हार्डवेयर की ये भी मिल जाएगा। तो आपने या तो इसको बोलना एप्लीकेशन रूलर दे दो हमें, और एप्लीकेशन रूलर से अगर नहीं समझता दुकान वाला तो आप उसको जाके बोल सकते हो कम्बल वाला रूलर दे दो, कम्बल वाला रूलर। इसके बड़े बड़े धागे से होते हैं और यही इसमें काम करता है माल चढ़ाने में, और एक सार माल चढ़ता है इससे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी अगर आप दुकान पर जाओ तो बोल सकते हो कि हमें धागे वाला, जो बड़े बड़े से थोड़े थोड़े धागे होते हैं हमारे, आधा इंच बड़े धागे धागे निकले हुए होते हैं इसमें, वो रूलर दे दो, या फिर कम्बल वाला रूलर बोल सकते हो। ये रूलर है दोस्तों हमारा फिनटेक्स का। तो आज मैं पहली बार ये डिज़ाइन लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पर, और बकाइए तो मैंने आज तक मैंने डाला ही नहीं था। तो मैं आपको इसकी खासियत बता देता हूँ कि ये रूलर एक पूरा रबड़ का है, जो इसके ऊपर जो डिजाइनिंग है वो पूरी रबड़ की है, और बहुत जानदार है। और ये समझ लो कि आप अगर कितना भी जोर अगर लगा के निकालोगे तो रूलर कहीं से नहीं टूटेगा नहीं फटेगा, मतलब काफ़ी इसके अंदर मजबूती दी गई है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एशियन कंपनी का है, एशियन ही कंपनी में आपको ये मिलेगा। तो इसका डिज़ाइन आप बाहर दीवार पे भी निकाल सकते हो, और बाहर दीवार पे अगर एक्सटीरियर के एरिया में अगर आप निकालते हो तो पुट्टी के अंदर भी ये डिज़ाइन निकाल सकते हो। तो दोस्तों, मैं पुट्टी के ऊपर जो डिज़ाइन हम निकालते हैं ना, वो भी मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा। हो सकता है कल मैं आपको वो वीडियो भी डाल दूंगा, फ़िलहाल में तो ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ आज। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसमें कोई जोड़ नहीं पड़ते, इसका रूलर का कोई ढब नहीं होता। कभी भी आपने ये रूलर चलाना है तो आपने जो हमारा दाहिना हाथ होता है उधर तो हैंडल रखना है, और बाएं हाथ की तरफ इसकी नोक करनी है। जैसे कि आप देख रहे हो, तुम्हारे मुंह की तरफ इसकी नोक होनी चाहिए, और जो सीधे हाथ की तरफ जो है वो हैंडल होना चाहिए, तभी आपका डिज़ाइन सीधा सीधा निकलेगा और कोई जोड़ नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे इस दीवार पर कोई जोड़ नहीं आया और मस्त डिज़ाइन निकला। तो दोस्तों, आप बता सकते हो मेरे को कैसे डिज़ाइन निकला, किस तरह का निकला है। और आपको बता देता हूँ मैं कि कभी भी आप ये निकालोगे, और जो हमारा टॉप कोट है उसके अंदर पानी कितना डालना है आपने, वो मैं आपको बता देता हूँ। पानी जो 1 लीटर में हमने डाला है, वो हमने 150 ग्राम पानी डाला है। इस डिज़ाइन के निकालने के लिए सिर्फ 150 ग्राम डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला है हमने, 100 ग्राम और 50 ग्राम। और नीचे वाला जो बेस कोट है हमारा, वो हमारा है रॉयल लग्जरी इमल्सन। जो नीचे वाला बेस कोट है वो रॉयल लग्जरी इमल्सन, तो और ऊपर का जो टॉप कोट है वो हमारा रॉयल पिले नॉन मटेरियलिक है, जिसमें कि कम चमक होती है। तो गाइस, मेरे को बताना ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर करना।